आजकल के प्रोग्राम सही जवाब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। सो कुछ अहम सवाल हैं जो कि मैं पूछना चाहूँगी। हमारी गेस्ट है हमारे साथ सोनम झा, एक रिसर्च स्कॉलर हैं JNU से। सोनम जी, आप बताइए कि रिलीजन महिलाओं के प्रति ऑप्रेसिव है या समाज ऑप्रेसिव है? आपने सवाल पूछा कि रिलीजन महिलाओं के लिए ऑप्रेसिव है या समाज महिलाओं के लिए ऑप्रेसिव है, तो रिलीजन और समाज को हम अलग करके नहीं देख सकते। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे सामाजिक ताने बाने में धर्म है और धर्म में हमारे समाज की झलक दिखती है। तो धर्म समाज में जो हम लोग रहते हैं, डिफरेंट समाज है वो, चाहे हमारे यहाँ का समाज हो, दूसरे देश का समाज हो या दूसरी परंपराएं हो, धर्म आकार देता है किसी भी तबके को, महिलाओं को। और धर्म की जो भूमिका है हमारे समाज में, विशेषकर में कर, वहाँ पे महिलाओं को दोयम दर्जे का बताया गया है। वहाँ पे हर एक चीज़ में महिलाएं पुरुषों से पीछे बताई गई हैं। चरणों का धूल तमाम गीतों में आपने सुना होगा, या पति परमेश्वर है। बराबरी का हक महिलाओं को धर्म नहीं देता है, उन्हें हमेशा एक सबॉर्डिनेट कैरेक्टर के रूप में ट्रीट करता है। ठीक है, तो आपने ये कहा कि हम रिलीजन और समाज को अलग तरीके से नहीं देख सकते। और आपके मत में दोनों एक ही चीज़ है, जुड़ी हुई हैं आपस में। हाँ। तो मुझे ये बताइए, रिलीजन में भी अलग अलग तरीके रिलीजन होते हैं, तो क्या बुर्का पहनने की बात और करवा चौथ के व्रत रखने की बात, क्या ये दोनों अलग अलग हैं महिलाओं के मामले में अगर देखें तो? नहीं, देखिए धर्म का कैरेक्टर, चाहे वो हमारे यहाँ का धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर जगह किसी भी धर्म की अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के साथ धर्म का रवैया बहुत ही, बोलेंगे कि ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं है। तो चाहे वो बुर्का पहनने की बात हो, चाहे वो करवा चौथ की बात हो, ये दोनों कहीं ना कहीं एक कंपल्शन है। और कई बार हम बोलेंगे कि लोग स्वेच्छा से करवा चौथ करती हैं या स्वेच्छा से बुर्का पहनती हैं, तो स्वेच्छा भी जो होती है, कई चीज़ें जो हम मान लेते हैं, वो महिलाओं के लिए क्या है कि जो महिलाओं की जो संरचना है समाज में, या पुरुषों की जो संरचना होती है, किसी भी व्यक्ति की जो संरचना होती है, उसमें क्या होता है कि महिलाएं हमको जिस तरीके से, हमारी कंडीशनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। हमारी जो कंडीशनिंग होती है उसमें हमेशा एक सबॉर्डिनेट कैरेक्टर बनना महिलाओं को सिखाया जाता है। तो उसमें हमारी स्वेच्छाएं भी, हम ना केवल एक इमोशनल स्लेवरी जिसको हम बोलते हैं, और इस बंधन को कई बार महिलाएं एक्नॉलेज ही नहीं कर पाती हैं, उसको स्वेच्छा के नाम से ऐसी चीज़ों को भी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट करती है। आपने अभी बात करी स्वेच्छा की, तो महिलाओं को हमेशा बताया जाता है कि ऐसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। हाँ। वो यही सब सुनते हुए बड़े होती, चाहे पैसिवली चाहे एक्टिवली, मगर उनको ये सब सिखाया जाता है। हाँ। तो आगे जाके उनको उसी का मालिक बना दिया जाता है, उसी ढांचे के संरक्षण करने के लिए उनको उनका दायित्व दे दिया जाता है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? इसी वजह से शायद ये चेन आगे बढ़ती जाती है। जी बिल्कुल, पितृसत्ता हो या कोई भी इज्म की जो हम बात करते हैं, पेट्रार्की की बात करते हैं, या किसी भी सोच की बात करते हैं, तो ये एक विचार है जिसकी वाहक महिलाओं को भी बना दिया जाता है। और हम देखते हैं कि महिलाएं ही महिलाओं के अधिकार के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। सिमोन द बोवा का आप नाम आपने जरूर सुना होगा। बिल्कुल, उन्होंने, उनका जो एक लाइन है उसमें उन्होंने बोला है कि महिला पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। तो हम जैसा उनको बनाएंगे, जैसी सोच के बीच वो रहती हैं, जैसी परवरिश के बीच वो रहती हैं, तो आप अभी भी देखेंगे बहुत ही कम महिलाएं हैं जो अपना निर्णय ले पाती हैं, अपने लिए डिसीजन कर पाती हैं। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, समाज का फैक्टर, परिवार का फैक्टर, किसी भी महिला के लिए आगे आ पाना इतना आसान नहीं होता है। और वो सब कुछ डिपेंड करता है कंडीशनिंग पे, आपकी कंडीशनिंग कैसी है। जैसे मजाज साहब का एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि तेरे माथे पे आँचल तो बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आँचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वाह, क्या बात कही आपने। मजाज साहब की लाइन में आपने इसको समाप्त अच्छा कर दिया। आपने अभी कहा कि महिलाएं ही महिलाओं के खिलाफ होती हैं, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा महिलाओं को शायद ये पता नहीं होता, इग्नोरेंस होती है उनको, ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ गलत हो रहा है। ऐसी मामले में हम क्या कर सकते हैं, ऐसी महिलाओं की हम मदद कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका तो एक सीधा अवेयरनेस एंड शिक्षा, दो चीज़ें।
यही दो एक चीज़ें हैं जिससे महिलाओं को उनको अधिकार के प्रति अवेयर बनाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि वो किस अज्ञानता में रह रही हैं मेजॉरिटी अभी भी। और इसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे आपको कि इसके लिए सिर्फ पढ़ी लिखी या जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं या ना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो हैं, कई बार बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी ऊँचे ओहदे पर रहने वाली महिलाएँ भी इस पैट्रियार्की की शिकार होती हैं जी। और वो इमोशन के नाम पर, परिवार के नाम पे, संस्कार के नाम पे, इन सारी चीज़ों के नाम पे वो ऐसी तमाम चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करती हैं, वो आगे बढ़ाती रहती हैं। जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि महिलाओं के अस्तित्व के लिए वो क्वेश्चन, अभी रिसेंटली यूएन का विमेन का एक रिपोर्ट आया है सितंबर में, उसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जहाँ पे पॉलिटिकली विमेन का रिप्रेजेंटेशन मोर देन 5 है। उसमें आपको आश्चर्य हुआ कि पहले नंबर पर जो कंट्री है वो रवांडा है, वो एक अफ्रीका का कंट्री है, अफ्रीकन का एक देश है, जो कि जहाँ पे महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन में मोर देन 50% है राजनीति में, पार्लियामेंट में। इसके अलावा तमाम विकासशील विकसित जो देश है वहाँ पे महिलाओं की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। और उसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अभी 130 साल तक, लगभग 130 ईयर्स विल टेक कि विमेन को जो है इक्वेलिटी मिलेगी सारे स्फेयर में। अभी इस दौर पे जिस एक मॉडर्न एरा में, पोस्ट मॉडर्न एरा में जो हम जी रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति अभी भी ये है कि हर एक क्षेत्र में बराबरी करने में अभी कम से कम महिलाओं को 130 साल और लगेंगे। आपने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो वाकई चिंता का विषय है और हमें इस पर काम करना चाहिए। मगर कभी कभी ये होता है कि जितना लोगों को ज्ञान होता है उतने लोग अतृप्त होते हैं, उतने लोग नाखुश होते हैं। तो आपको लगता है कि हमें उन्हें दुखी माहौल की तरफ ले जाना चाहिए? अगर उनको ज्ञान हो जाएगा तो उनको पता होगा, तो आप इससे इत्तेफाक रखती कई भी मैं ये बात करती हैं। देखिए इसमें देखिए कोई भी चीज़ आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं, राइट? किसी को थोप नहीं सकते हैं। आप हमेशा देखेंगे कि इंसान के जगह में या उसके स्टेटस में चेंजेस आता है तो इतना कम्फर्ट नहीं फील करता है इंसान, राइट? तो जो महिलाएं चार दीवारी में रह रही हैं, तो हम इसको गलत नहीं मानते हैं कि उनका एक स्पेस है, तो उस ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है, राइट? सबके बस की बात नहीं। और कई बार ये होता है कि एक बोलते ना, आपने कूप मंडूक एक शब्द सुना होगा कि कई बार हमको पता होता है कि एक मेढक की कहानी कि वो कुएं में रहता है तो उसको लगता है दुनिया बस इतना ही है, उससे बाहर ही नहीं है, तो उसको उसकी खुशियाँ भी सीमित है, वहाँ पे वहीं तक है। और रहा जानकारी का दायरा, जानने समझने का दायरा, तो अब जितना ज्यादा ज्ञान, बुद्ध ने कहा है कि अब जितना ज्ञानी होते जाएंगे अब उतने अकेले होते जाएंगे, तो ये इतना आसान नहीं होता है टकराना। ये बात थोड़ी आध्यात्मिक भी आती होगी, मगर हाँ ये अलग बात नहीं है। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये वहाँ से जाके जुड़ना बहुत लाजमी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी आपने बात करी कि बड़े ओहदे पे विमेन औरतें कम होती हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? वही चीज़, सोच। महिलाएं डोमिनेंट करेंगी हमको, डोमिनेशन सबोर्डिनेट कैरेक्टर जो हम बार बार विमेन का आपको कह रहे हैं। आपने देखा होगा कि अंबेडकर जी की जीवनी आपने पढ़ी होगी जरूर, आप जानती होंगी। तो वो एक दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अपने उन्होंने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने बताया है कि जब उनको वो वादा दिया गया तो वहाँ पे एक जो अपर कास्ट का व्यक्ति, जो प्यून था उनका, तो उसको बहुत इंसल्ट फील होता था उनको पानी देने में। तो सेम चीज़ कि विमेन को एक सबोर्डिनेट कैरेक्टर, तो ये बहुत आसान नहीं होता है लोगों के लिए अब्सॉर्व, ये एक्सेप्ट कर पाना कि महिला होगी ये हमको डोमिनेट करेगी। और मीडिया के क्षेत्र से अगर आप जुड़ी हुई हैं तो आपको पता होगा कि कितने ऐसे अखबार हैं जहाँ के एडिटर या चीफ एडिटर विमेन हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक इसके लिए विमेन खुद जिम्मेदार होगी, क्योंकि अभी आपने कूप मंडूक होने की बात की तो ये वहाँ पर भी अप्लाई करता है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो सोचते हैं कि परिवार तक हमारी खुशियां सीमित हैं, हम इसके आगे इसको लेकर ही सब कुछ कर सकते हैं, हम अपनी प्रायोरिटीज़ में अपना करियर, अपना सपने अपनी प्रायोरिटीज़ में नहीं रख सकते। मेरे ख्याल से ये भी एक रीज़न हो सकता है। और एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी नज़र में विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण क्या है? आपने जो ये बात बोली कि महिलाएं जिम्मेदार हैं, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आप जानती हैं कि जो पैट्रियार्की का ये ताना माना है,
ये बहुत ही जिस मंसूबे के साथ बनाया गया है उसमें आप जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या तमाम इससे पहले मैटरलिनियन समाज की परिकल्पना थी हमारे यहाँ, लेकिन उन सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक पुरुषसत्तात्मक समाज की स्थापना की गई। एक बहुत ही लंबी स्टोरी, इस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। इसमें महिलाओं को उनके उनके अस्तित्व से ही दूर कर दिया गया है एक तरीके से, उनको हाँ, पता ही नहीं है जी, तो जी, एक वो ना क्या बोले हम आपको, एक कॉन्स्पिरेसी के शिकार है जिसके लिए मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन है, लॉन्ग टर्म मैनिपुलेशन ऑफ वुमेन जो आप कह रही हैं, और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। मेरा कहने का मतलब वही था, उसी मैनिपुलेशन के तहत ऐसा होता है। और हाँ जी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बस मेरा एक सीधा सा आपको हम एग्जांपल देंगे इसके लिए। मैंने कई बार देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी, और आपने भी अपने जीवन में जरूर अनुभव किया होगा कि बहुत पढ़ी लिखी ओहदेदार महिलाएं भी किसी भी बड़े डिसीजन लेने से पहले, इवन कि छोटे डिसीजन लेने से पहले, वो बोलती हैं कि घर भी किसी पुरुष व्यक्ति से वो पहले पूछ लेंगी, समझ लेंगी, हाँ वैलिडिएशन, राइट, वो वैलिडिएट कराती हैं उनसे उस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि कई बार गाँव के खेतों में काम करते हुए एक बड़ी सी साधारण सी महिला अपने निर्णय खुद लेती है। तो वेमन एम्पावरमेंट का जो तरीका मुझे समझ में आता है वो डिसीजन मेकिंग, जिस दिन महिला अच्छा खराब जो भी हो अपना डिसीजन खुद लेना सीख जाएगी और खुद लेगी, और उसके उसके अच्छे परिणाम होंगे, बुरे परिणाम होंगे, उसके लिए वो खुद तैयार रहेगी, तो बिल्कुल, तो वो एक सही मायार होगा मेरे हिसाब से वेमन एम्पावरमेंट का। जी बिल्कुल सही, और इस पर अपने व्यू रखने के लिए, अपने नज़रिए को रखने के लिए धन्यवाद। और आई होप आज की बातचीत से काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी लोगों को। और इसी के साथ हम सही जवाब के इस एपिसोड से आपसे इजाज़त लेते हैं, और चाहेंगे कि आप हमारा न्यूज़ चैनल आजकल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।